हेलो फ्रेंड्स, डेली टेक ट्यूटोरियल से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको pgportal.gov.in पे अपनी शिकायत रजिस्टर करना है तो उस केस में सबसे पहले आपको इस साइट पे आके अपना अकाउंट बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं था, पर अभी पिछले कुछ महीने पहले लोगों ने अपने साइट में कुछ चेंजेस किए हैं और अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लिक हियर टू रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप को अपनी डिटेल्स डालनी होगी। तो जो भी डिटेल्स यहाँ पूछी है उसको आप सही तरीके से भरिए, गलत डिटेल या इनएक्यूरेट डिटेल मत भरिए, हो सकता है नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सब और भी कुछ चीज़ें डालनी है जो यहाँ पर इस फॉर्म में पूछी हुई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि आपको जो अपना लॉगिन आईडी है यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप अपने ईमेल एड्रेस को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं कि अपने मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ईमेल एड्रेस को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं जो आप यहाँ पर डालेंगे, तो इस ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कीजिए। इनकेस अगर आप अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर एंटर कीजिए 10 डिजिट मोबाइल नंबर, उसके बाद ये मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाइए। इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद फ्रेंड्स, आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगी और आपके मोबाइल नंबर में एक वन टाइम पासवर्ड या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड जाएगा। तो फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस में जो आपके वेरिफिकेशन लिंक गई है उसको आपको क्लिक करना है और अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है इस साइट के साथ। और आपके मोबाइल नंबर पे जो एक वन टाइम पासवर्ड आया है या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड आया है, तो उसको आपको जब आप पहली बार अपने अकाउंट पे pgportal.gov.in के अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो उस मोबाइल वेरिफिकेशन कोड को डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस और मोबाइल वेरिफिकेशन कोड डालना बहुत ज़रूरी है, बिना इनके आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सही तरीके से डालिए और आपको यहाँ पर अपना अब जो लॉगिन करना है यहाँ से करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने अगर अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस रखा होगा तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालिए, अगर आपने मोबाइल नंबर रखा होगा तो आपने यूज़र नेम की फील्ड में ये जो दिख रही है इसमें मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा उसको यहाँ पर डालिए, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालिए, ये जो कैप्चा दिख रहा है 396854 इसको यहाँ पर टाइप कीजिए और लॉगिन कीजिए। आपके केस में हो सकता है कैप्चा कुछ और दिखेगा। एक बार जब आप लॉगिन हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके ब्राउज़र पे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको अब अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो यहाँ पर देखिए लॉज पब्लिक ग्रीवेंस लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि आपकी जो ग्रीवेंस है या कंप्लेंट है इन मैटर से रिलेटेड तो नहीं है, अगर इन मैटर से रिलेटेड होगी तो आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए।